अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिज व्लॉग्स के चैनल पे। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, और क्यों खुश हूँ ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, आगे की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। तो आज जो जो भी हो, मतलब मैं अपने ब्लॉग में करने वाली, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे हर ब्लॉग की तरह ये ब्लॉग भी पसंद आ जाए इंशाल्लाह। और आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसका नाम है रिजवाना, जिसकी आईडी है rizwana.q_786। तो ये है मेरे इंस्टा की आईडी। तो जिन जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किए, वो जल्दी से जाके फॉलो कर ले, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ और अपनी व्लॉग की वीडियो क्लिप एडिट करती हूँ छोटी सी। तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे देख सकते हो। तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। तो आज मैं आई हूँ विजय सेल्स में, देख सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो मैं विजय सेल्स में लेने आई हूँ, तो मैं यहाँ पर लेने आई हूँ ओवन विजय सेल्स में। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने कौन सा ओवन पसंद की हूँ, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि क्या जस्ट अचानक ये सब कुछ हुआ, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आप लोग को बताती हूँ अभी मैंने कौन सा ओवन ली हूँ। तो क्या मैंने ये ओवन ली हूँ? नहीं, मैंने ये ओवन ली हूँ नहीं, मैंने ली हूँ ये वाला ओवन, देख सकते हो आप लोग, IFB का। और काफ़ी इसमें ऑल इन वन है, तो मतलब इसमें हर चीज़ हो सकती है, बेकिंग, ग्रिल कर सकते हैं, और मतलब हर चीज़ बन सकती है इसमें, मतलब टोटल खाना बना सकते हैं इसमें। और भी बहुत है यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, तो मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है किचन में, तो इस वजह से मैंने, तो ये 25 लीटर का है, और उसी में यहाँ पर ये देखिए नीचे है 30 लीटर का। लेकिन मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, और उसी बात किचन में स्पेस भी नहीं है, तो फिर मैंने यही ली। और इससे छोटा यहाँ पर है, ये बताती हूँ, सेम ये वाला, ये देखिए, तो ये 20 लीटर का है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। तो मैंने बोली कि इंसान चीज़ एक ही बार लेता है, तो फिर मैंने सोची कि यही सही रहेगा हमारी फैमिली के हिसाब से 25 लीटर का। तो फिर बस मैंने यही ली, इसके सारे फंक्शन से जो मुझे समझना है। तो इसकी डिलीवरी मुझे मिलेंगी कल, क्योंकि हम यहाँ पर रात के वक्त आए हैं। तो ये हमें पड़ा 14,000 में, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बड़ा स्टोर है ये विजय सेल्स। साथ ही हमें ओवन के साथ ये हमें फ्री गिफ्ट मिला है, ये देखिए बॉल सेट का, जो मैं आप लोगों को घर चल के बताऊँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे के एरिया में, यहाँ से हमारा काम हो चुका है। तो मैं ओवन की ओपनिंग भी आप लोगों को बताऊँगी जब अनबॉक्सिंग करूँगी, तो ठीक है। तो बस अभी हम लिफ्ट के लिए खड़े हैं, ये आ गई लिफ्ट, और चलते हैं अंदर। हम अभी फ्रिज के सेक्शन में आ चुके हैं, और देख सकते हो आप लोग फ्रिज कितने यहाँ पर अच्छे हैं। तो हमें लेना है फ्रिज भी, लेकिन अब थोड़ा टाइम बाद लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ अफोर्ड तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से। अभी हम इधर आए हैं पेमेंट करने के लिए, ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं, तो बस इधर पेमेंट करने आए हैं हम। देखिए हम विजय सेल से बाहर आ चुके हैं, और बस बाइक पर बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। तो फिर चलो चलते हैं घर, चले। अब हम इधर आए हैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी देर से निकले हैं, तो काफ़ी भूख लग रही है। हमने सिर्फ एक एक गिलास जूस पिए थे गन्ने का। ये देखिए सामने मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मेरे से पूछने के लिए कि क्या लेना है। ये देखिए आ गए हैं, हाँ जो भी नहीं है, लो जो खाने आए थे वो तो है नहीं। यहाँ पर कचौरी खाने के लिए, पर यहाँ पर कचौरी के अलावा सब कुछ है, लेकिन एक बार जो मन बन जाता है फिर मुझे वही खाना होता है,
तो फिर अभी हम यहाँ पर सामने के तरफ जा रहे हैं, तो हम आए हैं कनकिया रोड पे। तो चलो फिर सामने की कनकिया रोड खाओ गली में, तो हम अभी सामने की तरफ जाते हैं कचौरी खाने के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड सामने कूपन दे रहे हैं, हमें लेना है ये वाली कचौरी। ये देखिए यहाँ पे ढोकला है, समोसा है, जलेबी है, बड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, भजिया है, पर हम आज खाएँगे कचौरी ये वाली। यहाँ पर सारी चीज़ें गर्म गर्म और फ्रेश मिलती है। देखिए हमारी प्लेट रेडी हो रही है, हम लोगों ने एक प्लेट ढोकला और एक प्लेट हाथ हटाओ ना एक प्लेट कचौरी लिए है, तो ये कचौरी की प्लेट हमारी रेडी हो रही है। हरी मिर्ची भी देना, कचौरी की प्लेट रेडी हो रही है, देख सकते हो। तो सारी चीज़ें मतलब कचौड़ी को बीच में से तोड़कर उसमें सारी चीज़ें भरी जाती है, दही, तीखी चटनी, मीठी चटनी, सेव वगैरह, और ये कुछ इस तरह की होती है। तो पहले हम खाएंगे ढोकला साथ में हरी मिर्ची। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड अभी खा रहे हैं कचौड़ी, ये इस तरह से बनती है, बहुत यम्मी रहती है, मुंबई की फेमस है कचौड़ी, है ना, कचौड़ी डिश। अब हम इधर आए हैं रात के डिनर के लिए खाना पार्सल लेने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में। ये देखिए हमारा खाना पैक हो रहा है, बहुत टेस्टी होता है। हमने यहाँ पे लिए है मुरादाबादी चिकन पुलाव, कीमा, रोटी। तो जो मुरादाबादी चिकन पुलाव है वो यहाँ पर फेमस है। जिस रेस्टोरेंट से हम रात का डिनर पैक करवा रहे हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है मुरादाबादी रेस्टोरेंट, जो मीरा रोड स्टेशन के एकदम करीब में है। तो बस यही से हम अपना डिनर पैक करवा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा न्यू ओवन लेके डिलीवरी बॉय आ चुका है हमारे घर, देख सकते हो आप लोग, आ चुका है हमारा न्यू ओवन हमारे घर। तो ये देखिए आ चुका है हमारा ओवन, और इसे मेरे हस्बैंड ओपन कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्या डिलीवरी बॉय सिर्फ देकर गया है, तो अभी हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से बंदा आके हम लोगों को इसके सारे फंक्शंस बताएगा। तो फ़िलहाल तो इसे सिर्फ ओपन कर रहे हैं क्योंकि इसके नाप की अबराई भी तो लगानी है, तो फिर शाम में हम जाके इसके नाप की अबराई ला के किचन में फ़िट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से पैकिंग आई है, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। फिलहाल तो हमने बॉक्स ओपन कर दिए हैं, पर इसे बॉक्स से बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मतलब वो बंदा आकर ही फिट करके देगा, हमें सिर्फ अबराई के लिए इस बॉक्स को, ओवन के बॉक्स को ओपन करना था कि नाप से हम शाम में जाके इसकी अबराई ला सके और दीवार पे फिट कर सके, क्योंकि एक दो दिन में फिर वो बंदा आएगा वहाँ से विजय स्टोर से, तो फिर वो हमें इसके सारे फंक्शंस बताएगा कि इससे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब अलग अलग किस्म के भी रहते हैं ओवन, और सबके फंक्शंस अलग होते हैं, तो वो बंदा आके ही हमें बताएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन ओपन हम लोगों ने इसलिए कर लिए क्योंकि हमें इसे अबराई लाना है। ये देखिए मेरे हस्बैंड नाप रहे हैं, तो हम अपने ओवन को किचन की इस इतनी जो गैप है, दीवार बची है, इधर लगाने का सोच रहे। ये देखिए यहाँ पर किचन है, तो यहाँ पर फ्रिज के बाजू में जो स्पेस बचा है, तो यहाँ पे हम अपने ओवन को फिट करने का सोच रहे हैं। तो वही मेरे हस्बैंड अभी मेजरमेंट लेकर गए हैं यहाँ से, अब देखते हैं यहाँ पर अबराई फिट होंगी या नहीं, क्योंकि एक यही ऑप्शन है, इसके अलावा फिर और कहीं पे लगाने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या किचन यहाँ पर है तो ओवन यहाँ पर रहेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड नाप का प्लाईवुड लेकर आ चुके हैं ओवन रखने के लिए, तो बस वही नाप रहे हैं कि परफेक्ट है या नहीं। तो बस अभी ये मेरे हस्बैंड किचन में प्लाईवुड लगा देंगे ओवन के लिए, और आज इंशाल्लाह वो डेमो बताने के लिए भी आएगा बंदा विजय सेल्स की तरफ से। तो ये देखिए स्टोर से टेक्नीशियन आ चुका है हमें ओवन के फंक्शंस बताने, डेमो देने के लिए। तो बस अभी हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह से मतलब बताते हैं ओवन के बारे में, कैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस कुकिंग है, ये डायरेक्ट जैसे आपने खाना बना के रख दिया है, अब
के बाद खाना है तो उसके लिए यहाँ से आप डायरेक्ट इसको चालू करेंगे या छोड़ेंगे या फिर मीटिंग को स्टार्ट होगा। और आपको टाइमिंग अगर बढ़ाना है कि इतने में नहीं गर्म हुआ तो यहाँ पे जितनी बार इसको प्रेस करेंगे 30-30 सेकंड बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, और बीच में अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे स्टॉप दिया है, स्टॉप करके बीच में चेक कीजिए, चेक करके फिर अच्छा मतलब कितना गर्म हुआ कितना नहीं समझिए, चेक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं गर्म हुआ तो। ओके, और यहाँ पे स्टॉप रिसेट दो बटन दिया है ना यहाँ पे बीच में चेक, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लगा दिया है वो प्रोग्राम जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी आगे बटन सेलेक्ट नहीं होगा, इसको दो बार प्रेस कीजिए वो प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। अभी जैसा अभी हम दबा दिए जी, ठीक है, फिर हम लोग ने ये गर्म अभी गर्म हुआ या नहीं हुआ हम लोग को चेक करने का, तो ये दबा जी, अगर आपको गर्म चाहिए तो गर्म नहीं बताओ, चेक करने के लिए एक बार दबाने का प्रेस करना है, ये खोले हम लोग देखे हाँ गर्म हो गया तो फिर क्या करने का गर्म हो गया, हाँ तो गर्म हो गया तो निकाल के फिर हाँ तो फिर ये ऐसा ऑफ कर देना, अच्छा ऑफ कर देना ठीक है, हो गया तो गर्म कर, तो वहाँ से पहले ऑफ करना है ना, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे 3-4 मिनट का रख दिया आपका 2 मिनट में गर्म हो गया, अगर हो गया तो फिर इसको निकाल लीजिए और ऊपर से बंद कर, और अगर सिर्फ चेक कर जैसे गर्म नहीं हुआ दोबारा वापस स्टार्ट करना है तो इधर दिया ना वापस दिया था हाँ, फिर उसके बाद अंदर रखिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अच्छा वही बटन से स्टार्ट भी हो जाएगा, इधर रेड वाले बटन से स्टार्ट, अच्छा अच्छा ओके। वेट डिफ्रोज, वेट डिफ्रोज का 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम जितने भी ग्राम का है इसमें आपको टाइमिंग देना है केक वगैरह बनाने की, अच्छा 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 यहाँ पे टाइमिंग देना है 10 मिनट से 90 मिनट तक जाएगा, 10 मिनट से 90 मिनट तक, यहाँ पे सेकंड का है 10 सेकंड से 90 सेकंड तक, 1 मिनट से 9 मिनट तक, 1 सेकंड से 9 सेकंड तक, ओके। ऊपर मिनट का है नीचे सेकंड का है, हाँ यहाँ पे आपने जितने ग्राम का है आपने ग्राम का सिलेक्ट किया, यहाँ पे जितने ग्राम का है ठीक है 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम, यहाँ पे टाइमिंग दिया और स्टार्ट कर दिया, 150 ग्राम 200 ग्राम 450 ग्राम तक, 12 किलो तक ब्रेड वगैरह जैसे पापड़ ये सब रखते हैं ना टाइमिंग आप, ओके इसमें आपको सिर्फ एक अनुमान रहना चाहिए ब्रेड के हिसाब से, सेम प्रोसेस वही है, ये तंदूरी चिकन तंदूरी के लिए रहेगा 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम जितना भी 800 ग्राम से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है, ये ऑटोमेटिक टाइम सेलेक्ट कर लेगा, ओके। ये माइक्रो पावर लेवल जैसे दूध वगैरह उबालते हैं ना डिश में उसके लिए रहेगा, सबसे हाई पावर है 60 डिग्री पे आप दूध को उबाल सकते हैं, टाइमिंग अंदर रख के हाँ दूध को बना सकते हो, हाँ गर्म कर सकते हैं जैसे गैस पे धीमी आंच पे रखते हैं तो वैसा इसके अंदर रखते हाँ, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग देना है, टाइमिंग दे के यहाँ से स्टार्ट, ओके। तंदूरी ग्रेडिंग कर लीजिए, C1 में वेज बनेगा, C2 में नॉन वेज बनेगा, कॉम्बिनेशन कॉमेंट ठीक है, यहाँ पे भी आपको टाइमिंग देना है, जो भी आप टाइमिंग देके कुकिंग के लिए टाइमिंग देके स्टार्ट करना है सेम प्रोसेस, ओके। डी ओ ड्राई, जैसे आपने चिकन तंदूरी या कुछ भी बनाया है तो ऐसे इसमें मेल्ट वगैरह आ गया है तो वाह, ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया वो डायरेक्ट स्मेल वगैरह निकाल देंगे ठीक है। कीप ऑफ फॉर्मेंट, ये दूध से दही बनाने के लिए रहेगा ठीक है, ये इसमें आपको टाइमिंग देना है, हाँ टाइमिंग देखिए ओके, दूध से दही हाँ, वो नॉर्मली जैसे दाल लोड के रख देते हैं दूध में हाँ तो उसके ठीक है, यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह माइक्रो प्लस कनेक्शन भी रख सकते हैं, ग्रिल में या तो डाल सकते हैं ठीक है, यहाँ से भी आप ऑटोमेटिक ये देसी जैसे मसाला वगैरह भूनते हैं ना आपको पता है ना मसाला वसाला भूनने के लिए ग्रिल, यहाँ पे भी आपको 300 ग्राम 400 ग्राम जो भी है 100 ग्राम 200 ग्राम डायरेक्ट स्टार्ट कर देना मसाला भून, ओके। ये आलू वगैरह जैसे उबालते हैं तो चलिए रहेगा, 3 आवर आलू काट के ठीक है। राइस चावल वगैरह बनाने के लिए 300 ग्राम टाइमिंग देगा, ओके। चाय जैसे कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं 3 कप तक ये कॉफ़ी बना सकते हैं, दूध वगैरह डालने के बाद सीधा अंदर रखना है, डाल कर 3 कप मतलब सारी चीज़ डाल के रख देने का, जैसा गैस पे रखने की जरूरत नहीं, जैसे कॉफ़ी वॉफी पीते हैं ना वैसे नॉर्मली बनाए। रीहीट जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस कुकिंग के लिए बताया वैसे ही यहाँ पे रहेगा, इसमें आपको वेट मालूम रहना चाहिए खाने का वेट, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम कितना वेट है डायरेक्ट, ओके।
डिजर्ट केक बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो का केक डायरेक्ट बनेगा, खाली केक के ऑप्शन पे क्लिक कर देने का और स्टार्ट कर देने का। तो इसके लिए प्री हीट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली। ओके, बीच बीच में आपको चेक करना रहेगा कि चेक कर सकते वो जो वर्क। देखिए माशाल्लाह से ओवन फिट हो चुका है अपनी जगह पे। देखिए मेरे हस्बैंड ने ये अपराइट लगा दिए हैं और इस पर ओवन को सेट कर दिए हैं। वायरिंग वगैरह सब हो चुकी है ओवन की। अभी मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो हम लोगों ने सोचे कि यहाँ पर आएगा या नहीं, लेकिन फिर माशाल्लाह से यहाँ पर आ गया, क्योंकि किचन में ही मतलब ओवन अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले सोचे थे कि इसे बेडरूम में फिट कर दे, लेकिन फिर बाद में ये कि मतलब कोशिश करने पे हो ही जाता है काम। तो माशाल्लाह से ओवन अपनी जगह पे फिट हो चुका है और माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसमें अच्छी अच्छी रेसिपी भी बनाना बताऊँगी। और ये रहा हमारा किचन और अब है मेरी शाम की चाय का वक्त। तो चलो फिर अब मैं शाम की चाय बना लूँ। इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ी ही देर में। तो देखिए ये बॉल मुझे ओवन के साथ फ्री मिले, जो मैंने जब ये बताई थी ना उधर स्टोर में, विजय सेल्स की स्टोर में जो मैंने बताई थी हमें फ्री इसके साथ क्या मिला है। तो ये मिला है हमें, इसके अंदर बॉल है जो हम लोगों ने अभी तक ओपन नहीं किए, तभी आप लोगों को मेरे हस्बैंड ओपन करके बताएंगे। इसके अलावा भी ओवन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल ये जो फ्री मिला है गिफ्ट के तौर पर, ये मेरे हस्बैंड आप लोगों को अभी ओपन करके बताएंगे। ये देखिए इस तरह से ये दो बाउल का सेट मिला है। और ऐसे तो मेरे पास पहले भी थे, क्योंकि मेरे पास पहले भी ओवन था पर वो काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मैंने उसे बेच दी, क्योंकि वो हमारे इतना यूज़ में नहीं आता था। हमारी फैमिली के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा था, बजाज का था, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही बाउल ख़रीदी थी और ट्रे ख़रीदी थी जो अब तक मेरे पास है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है ये बाउल, इतना इतना बड़ा है एक, और एक ये छोटा वाला है, देख सकते हो आप लोग। देखिए इसके अंदर ऐसा लगावा आया है, ये इस तरह से प्लेन है। और ओवन के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसके अंदर क्या क्या आया वो मेरे हस्बैंड आप लोगों को बताते हैं अभी ओपन करके। ओवन के अंदर हमें क्या क्या मिला है तो बताओ जल्दी जल्दी। तो ये देखिए दो ग्रिल ट्रे मिली है हम लोगों को इस तरह से, ये वाली ग्रिल ट्रे मिली है दो। उसके अलावा ये बेकिंग ट्रे मिली है, ये देखिए इसकी कैपेसिटी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है ये, इस तरह से ये बेकिंग ट्रे मिली है। और ये जो यहाँ पर प्लेट लगी रहती है कांच की, वो तो हर ओवन में होती है, लेकिन जब हमने तो जो हमारे पास पहले ओवन था तो इसमें हमें बस एक ही ग्रिल ट्रे मिली थी और साथ हमें वो मतलब कांच की प्लेट मिली थी, लेकिन ये वाले ओवन में हमें दो ग्रिल ट्रे मिली है, साथ हमें ये बेकिंग ट्रे भी मिली है, देख सकते हो आप लोग। तो अभी आज मैं इसमें इंशाल्लाह क्या बनाऊंगी उसकी रेसिपी तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह जो भी बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए हमने अपने ओवन में फर्स्ट रेसिपी डिज़र्ट बनाया है और इस डिज़र्ट का नाम है पुडिंग, जो मैंने पाव से बनाई हूँ। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं की क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस वजह से। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करने लगी हूँ। तो अगर आज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। मैं इसे अभी पीस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म है इसलिए। तो बस अभी मुझे दीजिए इजाज़त, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।